हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं वही 11, और मैं सुबह मतलब सुबह की जो भी साफ़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब सब कुछ, बर्तन तो रहते ही नहीं है मेरे यहाँ, नहाना धोना और पाठ भी करना था, तो पाठ हाठ सब कुछ मैंने कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वास्ता बनाया, बच्चे तो सुबह ही चले गए स्कूल, और आज मैंने बनाया था अजवाइन की पूड़ी। तो क्योंकि बच्चे काव्या की ना फ्रेंड है एक, तो उसको मेरे हाथ की अजवाइन की पूड़ी नमकीन बहुत पसंद है, तो काव्या रट रही थी कि मम्मी प्लीज़ बना दो, प्लीज़ बना दो। तो मैंने कहा जान दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नवरात्रे चल रहे हैं, कन्याएँ जो बोलें तो वो खिलाना चाहिए माता रानी को। तो बस वही था। और यहाँ पर फिर मैंने चालू कर दिया है, और थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने बना करके रख दी थी कि सिवाय जो है मांग सकते हैं तो सिवाय को खिला देंगे बीच में, और बाकी दूध दूध पी चुके, चाय नाश्ता मेरा भी हो चुका है। उसके बाद मैंने ये काम चालू किया, और हस्बैंड मेरे थे नहीं घर पर, तो क्या था अभी मैं एकदम मतलब फ्री जैसा महसूस कर रही थी कि मेरे को ज़्यादा हेडक नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा कोई खाना नहीं भी बना पाई तो क्या है काम चल जाएगा। क्या होता है कई बार कि अगर आप रसोई वगैरह साफ़ करने लग जाओ ना तो फिर खाना का ही डिले हो जाता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैंने सब पूड़ियाँ बना के रख ली, और थोड़ा सा सादा आटा भी लगाया था, क्योंकि आज मैं ना कोई सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो बस जो, और मैंने अपने लिए बनाई है 3 रोटियां अलग से बना के रख ली थी, क्योंकि मैं पूरी थोड़ा खाना इग्नोर करती हूँ, 1-2 खा लिया स्वाद के लिए अलग बात है, तो थोड़ा बनता नहीं है पूरी से। तो फिर आज दही जो है ना, मेरे यहाँ 1 लोटा भर के दही रखा था, तो हम लोग दही पूड़ी या फिर दही रोटी ऐसे खाएंगे। तो बस उसके बाद यहाँ पर हो रही है मेरी सफाई, और सिवाय को उनका नहाना धोना भी हो चुका है, और मेरा भी, क्योंकि क्या है सुबह सुबह पाठ ही करना रहता सबसे पहला काम, पूजा पाठ सारा, नवरात्रि चल रही है, इसलिए बिना नहाए तो मैं करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और अभी क्या है, अगर 3-4 भी शाम के बज गए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नहा धो चुके ही हैं। तो यहाँ पर सारे बॉक्स जितने हैं, और वैसे तो मेरी सफाई जब मतलब वही 1-1.5 महीने हो गए जब मतलब पेंट किया था घर को, तब पूरा हुआ था, लेकिन अभी फिर से गंदा गंदा दिख रहा है, तो मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तो ठीक रहेगा। तो सब पहले तो मैं पूरा निकाल दूंगी, उसके बाद झाड़ू मारूंगी। और बहुत देर से मैं इससे बोल रही थी बेटा झाड़ू ले आओ, ये ना अकेला होता है ना तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, छोटे मोटे भी चीज़ें नहीं, उसका मन होगा तो दे देगा, मन नहीं होगा तो नहीं देगा, ऐसा है इसका हाल, एकदम मतलब अलग ही नेचर है इसका। तो बस ये जो रैक आप देख रहे हैं, तो आपने देखा ही था कि शूज सारे जो है मैंने अब वुडन वाली रैक में पहुँचा दिए हैं, तो पूरे बंद जो है रखे हैं, और ये वाली रैक मेरी एकदम फ्री हो गई। तो अब मैंने सोचा इसको कहाँ यूज किया जाए, तो मेरे को यही एक आइडिया दिखाई दिया कि जितने छोटे छोटे कंटेनर हैं उन सबको रख करके इस तरह यहाँ पर आराम से रख सकते हैं, और जितने भी फालतू चीज़ें जो सामने जैसे ना दिखें, क्योंकि क्या है किचन मॉड्यूलर है नहीं, नॉन मॉड्यूलर है, तो सभी चीज़ें ओपन में ही दिखती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं कुछ नहीं अच्छी लगती हैं, तो अगर इस तरह से इधर सेट कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और कम उसमें सारे सामान आ जाएंगे। लेकिन जो आप देख रहे हैं बॉर्नविटा वगैरह का डिब्बे रखे हैं ये, तो ये पहले बॉर्नविटा आता था, तो वो सारे मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि डिब्बे बहुत मजबूत रहते हैं, और उनका रैपर हटा दो तो कुछ पता भी नहीं चलता, बड़े अच्छे से सब चीज़ें रखी रहती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें ना जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची वगैरह, इनको थोड़ा सा एयर टाइट ढक्कन वाली चीज़ों में रखें तो अच्छा रहता है, वरना मिर्ची वगैरह में सब में कीड़े पड़ जाते हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं हमेशा से ही मतलब सीधे 6 महीने साल भर के मसाले ले लेती हूँ, बार बार लेने का मेरा होता नहीं है, जो कि मतलब फुटकर में लो तो बजट भी बिगड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी सीजन पे आप खरीद लो, जैसे चने हुए, दालें हुई, या फिर मसाले वगैरह अगर सीजन पे ले लो, जैसे दाल वगैरह हम 8 किलो, 10 किलो, 5 किलो ऐसे ले लेते हैं, तो क्या है कि फिर बजट नहीं बिगड़ता, हमें रेट का थोड़ा सा कम ज़्यादा में हो, कम में ही काम बन जाता है। वैसे तो सीजन पे वैसे लो तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो मैं तो इसी तरह अपने पैसे बचाती हूँ। और मतलब कि क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम करके अपने घर की बचत को कर सकते हैं, क्योंकि औरतें कहीं बाहर कमाने तो जाती नहीं हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ों में वो पैसे बचाती हैं ना, जैसे कि अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना, या फिर घर गृहस्थी में छोटी मोटी चीज़ों में बचत कर लेना, या बार्गेनिंग कर लेना, तो लेडीज़ का तो फेवरेट काम होता है बार्गेनिंग करना, जेंट्स लोग थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन करना ही पड़ता है, क्या करेंगे, गृह
मस्ती, क्योंकि हमें ही चलानी है उसी बजट में, हमें अपने हिसाब से चलना है तो हमें ही देखना होता है, बस ये है। तो मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी कम ज़्यादा कराती हूँ अगर जहाँ हो सकता है तो, और नहीं कहीं कहीं मेरा मन नहीं करता तो मैं बिल्कुल भी नहीं कराती हूँ। तो कुल मिला के आपसे देखिए कितनी ढेर सारी बातें हो गई हैं बचत की। तो मैं तो ऐसे ही बचत करती हूँ, आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सारी पन्नी जो है मैं निकाल करके सब साफ़ करके मैंने बिछा दी हैं, और क्योंकि पन्नी वगैरह ना एक डेढ़ महीने में पूरी गंदी हो ही जाती है, थोड़ा बहुत पानी गया या कुछ तो वाइट वाइट से दाग से हो जाते हैं, तो उसको अच्छे से मैंने साफ़ कर दी है। और ये सामने वाली इधर की पन्नी भी, सब सब चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा करके, और कुछ चीज़ों में तो सिर्फ कपड़ा मारना था, डिब्बे वगैरह धुलने थे नहीं, वो एकदम साफ़ थे तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। तो यहाँ पर मेरी किचन की जो आप देख रहे हैं जाली, तो इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन कांच में थोड़े थोड़े से उधर कबूतर जो है खिड़की पे बैठ जाते और पोटी वगैरह कर देते, तो बड़ा गंदा सा हो रहा था, तो वो मुझे चढ़कर ही साफ़ करना पड़ा। फाइनली देखिए मेरी किचन जो है क्लीन हो चुकी है, और मैंने झाड़ू भी मार दी, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी जो है गिर ही जाता है तो फिर कचरा जो है पूरा गीला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो फाइनली मेरी जो है दिवाली की क्लीनिंग हो गई है, और आपकी हुई या नहीं हुई मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। तो बस मैं इसी तरह फ्री होकर के सब चीज़ें अपनी धीरे धीरे करती रहती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि क्लीनिंग के बाद आ जाती है डेकोरेशन की बारी, तो फिर वो भी हमें करनी है। उसके बाद आ जाता है कि क्या मिठाइयाँ बनेंगी या फिर क्या पकवान बनेंगे त्यौहार पे, तो वो सब चीज़ें हमारे ऊपर ही होती हैं। तो बड़े अगर पहले से ही आसानी से धीरे धीरे ब्रेक ले लेके कर लिया जाए तो काम हमारा जल्दी भी होता। और मैं तैयार होके गई थी स्टेशन, क्योंकि इनका फ़ोन आया, ये बोले स्टेशन से मुझे ले जाओ, मेरे पास गाड़ी नहीं है। के नीचे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, पहले जो कि है भरा भरा दिखता था काफी, तो अभी मैंने इसके नीचे ये रैक लगाई है जिसमें कि काफी सामान आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला दानी, अचार वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है जो कि अच्छा नहीं लगता है दिखने में, तो उन सब चीज़ों को मैंने इधर रख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले हमारे किचन काउंटर टॉप पे था, इसके अंदर मेरे कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं कि मसाले वगैरह रखे हैं, देख सकते हैं सोडा है खाने का, भुना जीरा, और ये देख सकते हैं भरवा मसाला, उसके बाद ये फूड कलर। तो मतलब क्या है ना, हम यूट्यूबर्स के घर में ना सामान बहुत रहता है ना नहीं सामान आपके घर में भी रहता होगा, तो बस इस तरह से देख सकते हैं सिल्वर फॉइल वगैरह सब चीजें यहाँ पर एकदम पूरा बंद हो गई हैं। उसके बाद इधर आ जाएंगे नेक्स्ट में, बंद करो। तो देख ही लिया, यहाँ पर कर्टन भी लग चुका है, तो अभी सभी चीज़ें बंद हो गई। टंकियाँ देख रहे हैं कितनी चमक रही, तो इसमें से एक आटे की है एक चावल की है, तो चावल इकट्ठा हम 30 किलो ले लेते हैं और आटा 10 या 15 किलो ऐसे लेकर के आते हैं, गेहूं ले आते हैं तो पिसा लेते हैं कभी कभी। टंकी मेरी एकदम चमक गई क्योंकि दोनों चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ा सा आटा बचा था, चावल तो एक बूंद भी नहीं था, एकदम घर में कहते ना भुखमरी सी आ गई थी। तो चलिए बातें तो बहुत होती रहेंगी, हमारी क्लीनिंग हो गई है और आप कब कर रहे हैं ज़रूर बताइए, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।